नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के साथ है जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न दे चुका है पिछले 5 साल में, और अगर इसी रफ्तार से ये दौड़ा, यानी कि अगर ऐसे ही ये स्टॉक परफॉर्म करता रहा या साल दर साल, तो अगले 5 सालों में ये स्टॉक 5,000 तक का हो जाएगा। शानदार स्टॉक है, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है स्टॉक की और बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज भी है। पिछले 5 साल में, यानी कि अगर हम बात करते हैं 2013 में, तो 2013 में ये काउंटर लगभग 120 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, और 2017 दिसंबर तक इस काउंटर ने 1,000 रुपए का स्टर्ज हुआ, यानी कि लगभग 8 to 9 times इस स्टॉक ने रिटर्न दिया, इस कंपनी ने रिटर्न दिया। फंडामेंटल्स ऑसम है, फिलहाल 800 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर रफ्तार यही रही, फंडामेंटल यही रहे, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव इस तरह से इंप्रूव होता रहा, तो ये स्टॉक अगले 5 सालों में आपको 5,000 तक का टारगेट दिखा सकता है। कंपनी का नाम PI इंडस्ट्रीज, शानदार कंपनी है, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स की कंपनी है ये। 820 इसका BSE का इस वक्त प्राइस है, और NSE पे 811.4 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ, और आज का हाई जो टच किया था काउंटर ने, वो 852.55 रुपीज़ का टच किया था। 52 वीक लो 675 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई 1,034 रुपीज़। ओके, वॉल्यूम आज जो ट्रेड हुआ है लगभग 385,577 का NSE पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और BSE पे 9,974 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ओके, एंड इसका BSE का कोड आप नोट कर लीजिएगा, 523642। NSE का कोड PI इंडस्ट्री का है, सेक्टर है पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स। ओवरऑल इसका कुछ बेसिक ब्रीफ भी हम लोग जान लेते हैं। लार्ज कैप की कंपनी है, मार्केट कैपिटल लगभग 11,304 करोड़ के आसपास है, बुक वैल्यू लगभग 139.5 की है, अभी फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 5.88 है, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी चल सकता है कुछ और समय तक। मेरा मानना यह है कि लगभग मई या जून तक स्टॉक में कंसोलिडेशन रहेगा, बेहतरीन समय जो बाय का रहने वाला है इस काउंटर के अंदर, हर डिप पे खरीदना है, लेकिन जो सबसे शानदार लेबल्स रहेंगे वो लगभग 700 रुपए के लेबल्स इस काउंटर के अंदर बहुत शानदार रहेंगे, जहां पर अगर आपको काउंटर मिलता है तो आप इस शानदार काउंटर में अपनी अच्छी पोजीशन को बना सकते हैं। फिलहाल इंडस्ट्री भी 38.43 की है, और अगर बात करते हैं हम लोग डिलीवरेबल्स के, तो आप देख सकते हैं लगभग 68% की डिलीवरेबल्स हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है। 30.7 की इसकी PE है, और डेट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे 0.04, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। करंट रेशियो 2.08 एंड प्राइस टू बुक 5.49। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बेहतर है, 19.75% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जबकि कंपनी का जो EPS है वो 26.28 का है। ROE एंड ROCE बहुत शानदार है, 25.3% का ROCE है, जबकि 20.8% का ROE है। अगर पिछले 3 सालों की ग्रोथ देखेंगे आप, तो पिछले 3 सालों की जो ग्रोथ रही है लगभग 5.49% की रही है। फेस वैल्यू 1 और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो लगभग 13,79,00,000 शेयर्स जो है वो इसके ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है सिंगल लॉट के अंदर। अब आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिखाते हैं कि शेयर होल्डिंग में किसके पास कितने स्टॉक्स हैं। 51% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, होल्डिंग है 51.49। 18.45% म्यूचुअल फंड्स के पास है, लगभग 0.27% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, 13.15% QFIs के पास है, तो ओवरऑल 32.25 जो है, जस्ट मिनट होल्ड कीजिएगा सर, तो 32.25% जो है वो टोटल पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास है, इसके अलावा 9% अप्रॉक्सीमेटली इंडिविजुअल्स के पास है, और एनी अदर्स के पास 7.26%। ओवरऑल शेयर होल्डिंग में बड़े निवेशक जो हैं, चाहे वो प्रमोटर्स हो गए या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका भारी भरकम निवेश है। पब्लिक शेयर होल्डर्स में देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से मेन पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, ICICI प्रूडेंशियल, DSP, ब्लैक रॉक, मिड कैप फंड, इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड, ये है UTI इक्विटी फंड, SBI ब्लू चिप फंड, इनके मेन इन्वेस्टमेंट है, साथ ही HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी 1.15% इस कंपनी के अंदर निवेश है।
फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं और आपको पता चलेगा फाइनेंशियल्स में हालांकि कुछ दबाव देखने को मिला है हमें छमाही नंबर्स में, जो कि सितंबर छमाही है, बट सभी अगर आप बात करते हैं एग्रोकेमिकल केमिकल्स और जितने भी सेक्टर्स हैं सभी में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है। और स्पेशली अगर बात करते हैं तो पिछले एक साल में लगभग हर सेक्टर में एक अच्छा खासा प्रेशर भी हमने देखा है और अच्छी खासी गिरावट भी देखी है। बट टाइम इज कमिंग फॉर द बिग बुल रन। मुझे लगता है कि अगला छः महीना और थोड़ा दबाव रह सकता है, बट अगले छः महीने के बाद लगभग मई जून के बाद मार्केट में एक नया ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है, जहां से हमें फिर अगले दो सालों तक एक शानदार अपमूव भी देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। कंपनी के ऊपर लगभग 46 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी की जो नेटवर्थ है लगभग 1912 करोड़ के आसपास की है, जब और जो रिजर्व्स है वो 1898 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के। आप देखेंगे जहां 2014 में कंपनी के पास केवल 667 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि अब 3 times बढ़ के 1898 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। साथ ही 681 करोड़ के नेटवर्थ से इंक्रीज होते हुए 1912 करोड़ की नेटवर्थ हो गई है कंपनी की। इन्वेस्टमेंट भी 521 करोड़, नेट ब्लॉक जो है इनका 521 करोड़ से बढ़कर 995 हो गया है। इन्वेस्टमेंट आप देखिए कितना शानदार रहा है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पिछले 5 सालों में 2 करोड़ से बढ़ के पिछले तीन, अगर आप देखेंगे 2014, 15 और 16 में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था वो केवल 2 करोड़ के आसपास था। 17 में कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 83.92 करोड़ हो गया और अब 2018 में कंपनी ने लगभग 161 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखा। तो शानदार कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो लगभग 37 करोड़ के कैश से बढ़ के 122 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है इस वक्त कंपनी का 2018 में। प्रोविजंस लगभग 33-34 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस हैं एंड बुक वैल्यू लगभग 138 की है, जो कि 2014 में केवल 50 rupees की ही थी। 2014 में कंपनी का जो प्राइस था वो लगभग 150 की रेंज में था, वो मैं एक बार टेक्निकली आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर हमने नंबर देखते हैं सितंबर छमाही की। सितंबर 17 में कंपनी ने 1114 करोड़ का टोटल टर्नओवर दिखाया था, जबकि सितंबर 18 में छमाही में कंपनी ने 1328 करोड़ का टर्नओवर दिखाया। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट देखेंगे 234 करोड़ का सितंबर 17 में था, जबकि 227 कुछ लिटिल बिट कम हो गया प्रॉफिट, जो कि 227 करोड़ के आसपास था, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम 22 करोड़ की है, जबकि सितंबर 17 में 24 करोड़ की अदर इनकम थी एंड एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर, छमाही दर छमाही और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी परफॉर्मेंस। और आप देखिए एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट है कंपनी का, मोर देन 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स लगभग रहे हैं, 200 से लेकर 250 करोड़ के बीच में, तो ये शानदार बात है। एंड EPS भी देखेंगे तो लगभग 12.77 की EPS है, जबकि लास्ट 13.12। तो ये छमाही कुछ हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है, बट द टाइम विल कम फॉर दिस काउंटर अगेन। अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म के जो भी काउंटर्स आप परचेस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल लेवल्स अगर दिखाऊं, सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेक्निकली चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब से कुछ समय पहले यानी कि लगभग 5 साल पहले 2014 में काउंटर 250 रुपये के आसपास था 2014 में, और केवल 4 साल हुए हैं, 2018 चल रही है। 2018 तक अगर हम यहाँ पर बात करें, काउंटर ने अपना हाई टच किया था जनवरी 18 में, लगभग 1000 रुपये का हाई टच किया था। तो ये आप देखेंगे 250 रुपये से 1000 रुपये लगभग 4 times काउंटर इंक्रीज हो चुका है। और अगर आप 2013 से बात करेंगे तो 2013 के अगस्त में केवल 120 रुपये के आसपास काउंटर था, जबकि 2018 यानी 5 सालों में काउंटर ने लगभग अगर आप देखेंगे 8 times कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया और जो काउंटर का जो प्राइस रहा वो लगभग 8 times अप गया है, 120 से लेकर 1000 rupees तक काउंटर ने अपना टच किया। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज है। और अगर हम लोग मंथली चार्ट पे बात करते हैं दोस्तों, तो वीकली चार्ट पे हम लोग आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप वीकली चार्ट को देख सकते हैं काउंटर में। फिलहाल जो डाउनसाइड का जो लेवल रहने वाला है स्टॉक के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 680 rupees का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि 680 rupees या 670 rupees आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा अगर काउंटर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से। एंड अगर यहाँ से काउंटर ने, एक बात याद रखिएगा, अपसाइड डायरेक्शन में अगर काउंटर ने यहाँ से लगभग 880 रुपये के आसपास का स्तर क्रॉस कर दिया, यानी कि 880 के ऊपर की क्लोथिंग चली गई, देन काउंटर अगेन आपको 1000 rupees के लेवल दिखाएगा आने वाले महीनों में। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, ये सभी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आप फंडामेंटल साउंड होते हैं, ग्रेट बिजनेस रखते हैं, और मान के ये चला जाता है कि जो अच्छा एनालिस्ट है, अच्छा जो इन्वेस्टर है, वो सही समय का इंतज़ार करता है और हर गिरावट पर
अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक में निवेश करता रहता है। पीआई इंडस्ट्री एक ऐसा ही शानदार स्टॉक है जिसमें जब भी आपको गिरावट मिलती है 800 ब्लो 800 700 तक के लेवल मिलते हैं देन आप डेफिनेटली बाय कीजिए और होल्ड कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म लगभग 12 से 18 या 2 साल के लिए, और आप यहां से लगभग दुगने का लेवल देख पाएंगे अगले 2 सालों में, यानी कि 1600 से 1700 रुपये तक का लेवल आपको एट प्रेजेंट लेवल तक मिल सकता है अगले 2 सालों में, और 5 सालों में ये स्टॉक आपको 5000 तक के लेवल दिखा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं क्योंकि 120 से 1000 का लेवल टच करना थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है क्योंकि प्राइस कम होता है, लेकिन 800 से 5000 का लेवल टच करना ज़्यादा ईजी है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल परफॉर्मेंस अच्छी रही, निवेशक बड़े निवेशक होते हैं, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, आगे फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ जो पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स का वो बहुत शानदार है। सो आई विल सजेस्ट कि प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस काउंटर में गिरावट के समय आप कुछ कुछ क्वांटिटीज को ऐड करते रहिए, होल्ड कीजिए 2 से 5 सालों के लिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है लगभग 5 साल आप रख सकते हैं, सो डेफिनेटली आप 4 से 5 हज़ार रुपये तक का पर शेयर प्राइस इस काउंटर के अंदर बुक कर सकते हैं, और वो समय होगा जब आप अपने नोट को अपने पैसे को अपने वेल्थ को अप्रिशिएट करेंगे और उसको गिनेंगे। यहाँ पर ये पीआई इंडस्ट्री का बिजनेस है, और अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं बाकी तो आप डिटेल में पढ़ते रहिए, ब्रांड्स है ये ओवेल, और आप देखेंगे बेसिकली जो भी इनके प्रोडक्ट रेंज है वो सभी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। द ओवेल इज ए सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड बेस्ड ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एसीफेट एंड यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ जैसिट्स एंड द वॉलवॉर्म्स ऑफ कॉटन एंड द एम्फिड्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड कॉटन, कॉटन के लिए जो जो उनके जो भी कीटाणु होते हैं जो भी यू नो वॉर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ओवेल का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। सो इसी तरह से ये लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि अलग अलग यू नो क्रॉप्स के लिए यूज़ होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे PIV4 इज ए कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ सकिंग पेस्ट ऑफ द राइस कॉटन चिलीज मैंगो ग्रेप पर्टिकुलरली अगेंस्ट प्लांट हॉपर्स, ठीक है, वाइट फ्लाइज एम्फिड्स जेसिड्स थ्रिप्स मिट्स हॉपर्स, ठीक है, तो ये मीलेविक्स बग्स इन सभी के लिए ये बेसिकली ये यूज़ होता है जो कि स्पेशली राइस क्रॉप्स में कॉटन चिलीज मैंगो ग्रेप्स वगैरह की फसलों में यूज़ होता है। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट रेंज इज टू वाइड, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, फंगीसाइड बनाते हैं ये लोग एंड इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, इसके अलावा हर्बीसाइड्स बनाते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट R&D सर्विसेज रहे, लाइक अगर आपकी इनका जो मेन रहता है R&D सर्विसेज में कि लाइक आइडेंटिफाई करते हैं क्रॉप्स को कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड टारगेट डिस्कवरी के साथ साथ फिर उसके हिसाब से ये लोग जो भी रिलेटेड जो भी इंसेक्टिसाइड्स या हर्बीसाइड्स बनाने होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को एट प्रेजेंट प्राइस से भी खरीदना शुरू करते हैं, अगर आपका होराइजन अगले 3-5 सालों का है तो आप हर डिप पे खरीदिए, डेफिनेटली आपको मल्टी 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 फोल्ड रिटर्न्स मिलने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपको लगभग 700-720 का लेवल अगर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो लेवल आपके लिए बेस्ट रहेगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के लिए, या फिर एक बार काउंटर 880 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है तब आप इस पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 950 और 1000 रुपीज़ के लिए। सो ये हमने बात की पीआई इंडस्ट्री पे, टेक्निकली भी हमने आपको बताया और फंडामेंटल्स भी बताया, दोनों ही ग्राउंड पे स्टॉक बहुत शानदार है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी शायद मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, एक बार 870-880 का लेवल क्रॉस करें तब आप उसमें बाइंग बना सकते हैं, या फिर 775 के पास अगर आप चाहें तो बाई बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार चार्ट्स में, फिर भी 680 आप यहाँ देखेंगे वीकली चार्ट में, और डेली चार्ट में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देखेंगे 788 फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, अगर 788 पे मिलता है देन 780 का स्टॉप लॉस बना के आप इसमें लगभग 850 के लिए रख सकते हैं। सो आप यहाँ पर भी देखेंगे जिसने 788 के आसपास बाइंग किया होगा उसको आज लगभग 850 का प्राइस मिला होगा जहाँ पर उसने टेक प्रॉफिट किया होगा एंड देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का परिणाम आया कि 811 पर काउंटर ने क्लोजिंग दी है। सो ये आपका रेंज है, 780 के आसपास आप खरीदिएगा, 850 के आसपास बेचिएगा शॉर्ट टर्म वाले। जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का निवेश है वो हर डिप पे 10-20-30-50 या 100 जो भी आपका वेल्थ आपका फंड अलाउ करता है आप उसको परचेज कीजिए, होल्ड कीजिए अगले कुछ समय के लिए, शानदार मुनाफा देगा। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर कुछ ऐसे ही बेहतरीन पिक्स के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे
हर अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से पहले मिलेंगे, जिससे आप राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट लेने का अपना डिसीजन कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।